नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यूवीडिया न्यूज। तो आइए आज जानते हैं कि सर यहाँ जो सेमिनार चल रहा है इसके बेसिस पे आप क्या कहना चाहेंगे। या फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हो रही है, पॉश ट्रेनिंग हो रही है, तो इस विषय में आपकी क्या राय होगी? देखिए, ये सतेंद्र जी ने जो एक मुहिम चलाई है, हाँ जी, ये इन्होंने हमारी इंडस्ट्री के जो लोग हैं उन लोगों को इनकी वर्कशॉप से काफ़ी सीखने को मिलता है। आज लेबर कोड की बात हो रही है, तो वो भी हमारा सरकार की प्रायोरिटी में है कि 100 दिन के अंदर उनको करना है। उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या होना है। वो लीगल एडवाइज़र आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो भी उन्होंने इस बारे में बोला। एक अच्छा सीखने का ये जो एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें आप इन्होंने अभी पॉश के ऊपर बोला और फर्स्ट एड का बताया, ऐसे ही हमें नेक्स्ट टाइम मैं बोलूँगा फायर के ऊपर भी करें, क्योंकि फायर इज़ अ मेजर इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आज हम सब कुछ बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, कुछ लोगों को रोजगार देते हैं, तो अगर हमारी आग लग जाए तो बहुत बुझाएगा, कैसे बुझेगी? हमारे पास कुछ साधन होने चाहिए, जो कि हमारे पास अभी इतने पूरे साधन नहीं है। नोएडा के ऊपर इतना भारी बोझ हो गया, बड़े बड़े टावर्स का, हमारा फायर डिपार्टमेंट को इसको मजबूत करने की ज़रूरत है। अच्छे टेंडर लाने के लिए, अच्छे टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत है। अभी एक फैक्ट्री में आग लगी तो 25 करोड़ का माल जल गया, हम उसको बुझा नहीं सके 8 घंटे तक। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हर चीज़ को देखना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो हमें इसको हमें सबको विचार करना चाहिए। हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे इसके ऊपर, तो इसके ऊपर विचार तो सर, जैसे कि आप जानते हैं कि नोएडा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, एक फैक्ट्री एरिया है, तो आप किस तरह से इसमें बदलाव देखना चाहते हैं कि हमारी कंपनियों में ये सब चीजें हो और टाइमली हम इन सब चीजों से बचाव कर पाए? देखिए, नोएडा जो है ना, वो नो आइडिया नोएडा कहाँ से कहाँ पहुँच गया था, जी, कितना तरक्की कर रहा है। ये उत्तर प्रदेश की एक कमर्शियल राजधानी है, जी, यहाँ पे इतना रोजगार उत्पन्न होता है। हमारी गार्मेंट इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा बड़ी है, यहाँ पे 10 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिलता है, और सुविधाएं भी बहुत हो गई हैं, और अभी सरकार इसमें और बहुत सुविधाएं ला रही है। हम बड़े शुक्रगुजार हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो नोएडा में 85 बार आ गए, और एक एक बारीकी से चीज़ देखते हैं, सारे ऑफिसर्स CEO सब लगे हुए इसमें अच्छी तरह बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। एंड हम देखना चाहते हैं यही कि हमारा सुरक्षित रहे नोएडा और खूब फले फूले। और सर, जैसे कि न्यू लेबर कोड आ रहा है जिसपे यहाँ सेमिनार में बात भी हो रही है, इसके बेसिस में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब जैसे अभी आ रहा है, अब हम इसमें अभी समझेंगे क्या है। जो सरकार ने किया वो सोच के किया, अब हमें किस चीज़ की नॉलेज नहीं है, जी, हम समझेंगे, सीखेंगे, उसके बाद उसको अमल करेंगे। और सर, जैसे कि ये जो प्रोग्राम सेमिनार किया जा रहा है लीगल आईपीएल के द्वारा, टैलेंट अप के द्वारा, तो सर आप क्या चाहते हैं कि इंडस्ट्री में ऐसे प्रोग्राम्स आते रहे रेगुलर बेसिस पे? मैंने अभी सुनिंदर जी को रिक्वेस्ट की थी, हाँ कि ये उनका तीसरा तीसरी सेमिनार, हाँ जी, तो ये हर साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए और नया से नया एडअप होना चाहिए। फायर के लिए मैंने उनको बोला इसमें अगली बार ऐड कीजिए। हमारी लीगल सेल ही हमारा नहीं है, लीगल सेल जो हमारा, हम जो कपड़े हैं बनाते हैं वो एक एक टाका जोड़ते हैं तब जाके कमीज बनती है। तो ये लेबर का और फायर का और फर्स्ट एड का, ये सब एक एक टाका है। ये टाका पूरा तैयार होगा तभी इंडस्ट्री बनी। तो हमें और चीज़ों को ऐड करना चाहिए। साल की एक साल में 2 या 3 बार वर्कशॉप करें, नए नए सब्जेक्ट लेके आए, ताकि देखिए सबको पता है कि ये काम गलत है तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आदमी भूल जाता है, फिर गलती करता है। तो ये याद कराना चाहिए सबको भी, ये काम ऐसे होना चाहिए। तो ये वर्कशॉप होनी चाहिए, वर्कशॉप से हमेशा फायदा होता है, और वर्कशॉप ही एक साधन है कि लोगों को रिव्यू करते हैं अच्छी तरह, उसके अमल होता है। तो आपने सुना वेबिनार की क्या कुछ जानकारी दी गई, तो आपकी क्या राय होगी इस खबर पर? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यू मीडिया न्यूज। नमस्कार।